हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज ख़त्म करते हैं अपनी ये सीरीज़ कंप्रेसिव फ्लो लेक्चर्स की। चारों वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो यहाँ पर आप आई बटन देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप प्लेलिस्ट देख लिए कंप्रेसिव फ्लो की सारे वीडियो लेक्चर्स। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले अपन, आज चोक फ्लो बताऊँगा एंड शॉक वेव्स बताऊँगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज इतना डीप में आपको इसरो में पूछा नहीं जाता है, और इसरो के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ये बताने के बाद, लाइक चोक फ्लो एंड शॉक वेव्स खत्म होने के बाद में एंड में इसरो के कुछ न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे अपन और इस लेक्चर को हैप्पीली एंड करेंगे। तो आज फाइनली लेक्चर एंड हो रहा है, तो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होंगे वो भी आपको समझ में आएगा। और कंप्रेसिबल फ्लो, मेरी गारंटी, कंप्रेसिबल फ्लो से क्वेश्चन अगर किसमें आपके टारगेट के बीच में आता है तो आप उसको कूद के आगे निकल जाओगे। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर। जो शॉक वेव्स होती है और जो चोक फ्लो आता है, किन किन कंडीशंस पे आती है वो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले चोक फ्लो से। याद रखने वाली बात है, याद रखिए, क्वेश्चन आ जाता सीधा डायरेक्टली, चोक फ्लो हमेशा कन्वर्जिंग नोजल में दिखाई देता है। कन्वर्जिंग नोजल में बोलो या फिर थ्रोट बोलो, या फिर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के बीच में जो थ्रोट बनता है उसमें बोलता है, मतलब कन्वर्जिंग नोजल के एंड में, कन्वर्जिंग नोजल के एग्जिट में दिखता है अपने को चोक फ्लो। कैसे दिखता है वो, ये रिजर्वायर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका क्योंकि ज़्यादा आता नहीं है इतना डीप में, फिर भी चलो एंड में अपन समझ लेते चीज़ों को थोड़ा सा। ठीक है, ये रिजर्वायर है एंड ये भी एक रिजर्वायर है। यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर स्टैग्नेशन प्रेशर है, स्टैग्नेशन टेम्परेचर है एंड स्टैग्नेशन डेंसिटी है, और यहाँ पर बैक प्रेशर है। ठीक है, अब चीज़ को समझने के लिए अपने को ये देखना है कि क्या होता क्या है नोजल में। नोजल में हम सबको पता है नोजल में क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, यहां से यहां तक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मार्क नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड तो वो हमने पिछले लेक्चर में चीजें देखी थी। अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें थोड़ी सी चीज अपन ऐसे देखेंगे कि क्या करना है अपने को। देखो यहां बनाते हैं इसका डायग्राम, पहले छोटा सा है, एक ग्राफ के थ्रू आपको चीजें समझ में आएगी। मैं बना रहा हूं P बाई पी नॉट वर्सेस X, मान के चल लो यार P बाई पी नॉट वर्सेस X, ये X इक्वल टू जीरो है और इस पे मान लो X इक्वल टू L है। ठीक है, ये x इक्वल टू l लेंथ है। अब ध्यान से देखना, p और pb, ये p तो वेरी कर रहा है x के साथ साथ, और p नॉट स्टैग्नेशन प्रेशर है हमारा, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट क्या बोल रहा हूं कि p और p नॉट का जो रेशियो है वो मेरा क्या है, P बाई पी नॉट का रेशियो मैं वन मानता हूँ, मतलब इसका इन दोनों का रेशियो मैं वन मानता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो P मेरा वेरी कर रहा है एक्चुअल में कुछ वेरी नहीं कर रहा, मैं ये बोल के चलता हूँ कि जो मेरा प्रेशर है वो P नॉट के बराबर है। अगर मेरा P बाई पी नॉट वन है तो क्या कोई फ्लो होगा, सोच के देखिए, जब प्रेशर में कोई डिफरेंस ही नहीं तो फ्लो भी नहीं होगा। लाइक P नॉट है और ये PB है, ये बैक प्रेशर है, अगर इन दोनों प्रेशर में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा, या फिर अंदर कोई प्रेशर में कोई डिफरेंस ही नहीं तो फ्लो ही नहीं होगा। तो फ्लो नहीं होगा तो अपन क्या बोलते हैं, क्या ये सीधी लाइन बन जाएगी, फ्लो ही नहीं हो रहा, नो फ्लो। ठीक है, इतनी बात हमको यहां पर क्लियर हो जाती है। अब मैं कहता हूं कि मैंने ये पी नॉट तो मेरा स्टैग्नेशन प्रेशर है, अब मैं कहता हूं कि मैं बैक प्रेशर, जो पीछे की तरफ बैक प्रेशर आता है उसको मैं कम करता हूं, अगर ये और ये दोनों बराबर रहेंगे तो मेरा कोई फ्लो ही नहीं होगा,
है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इस प्रेशर को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, बैक प्रेशर को मैं कम कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, प्रेशर रिड्यूस करूँगा तो ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस तरफ बैक प्रेशर रिड्यूस होगा, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से मेरा पहले मेरा प्रेशर पी नॉट के बराबर था, जब मैंने बैक प्रेशर को कम किया तो मेरा प्रेशर रिड्यूस होकर यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से प्रेशर रिड्यूस होते होते यहाँ तक आ गया, ठीक है। और इस लाइन में x इक्वल जीरो पे तो पी नॉट प्रेशर है, यहां पर ये प्रेशर हुआ, यहां पर ये प्रेशर हुआ एंड रिड्यूस होते होते नीचे तक आ गया। अब मैं और रिड्यूस करता हूं इस प्रेशर को, और रिड्यूस करो और रिड्यूस करो, तो प्रेशर यहां तक आ गया, और रिड्यूस करो और रिड्यूस करो। जब प्रेशर रिड्यूस करते रहे तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिला, कौन सा, मेरे को इस पॉइंट पे मार्क नंबर 1 मिल गया, ठीक है। कैसे इस पॉइंट में मार्क नंबर 1 मिल गया, हमने उस इक्वेशन में पढ़ा है, पहले अपन कैसे देख रहे थे कि प्रेशर रिड्यूस करते रहते हैं सबसोनिक फ्लो में, तो जैसे आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मार्क नंबर 1 कैसे हुआ। चलो इक्वेशन लिख के देख लेते हैं ना, ये इक्वेशन लिखी थी मैंने लास्ट लेक्चर 4 में, ये चीज मैंने लिखी थी, जब मार्क नंबर मेरा लेस देन 1 होता है तो मेरा कौन सा फ्लो होता है, सबसोनिक, राइट। और मैंने ये बनाया था कि सबसोनिक फ्लो में अगर मैं एरिया डिक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, और मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये चीज़ तो देखी थी। और ये कैसा है कन्वर्जिंग रूल, फर्स्ट वाला एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली बना के बताता हूँ, मैंने ऐसा मैंने कन्वर्जिंग बना दिया था, फिर मैं यहाँ पर यही भी कह रहा था कि एरिया भी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मेन मुद्दा क्या हुआ, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होने से मेरा मार्क नंबर बढ़ रहा है और प्रेशर डिक्रीज होता है, तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो मेरे मार्क नंबर बढ़ता रहता है अगर मैं राइट साइड में जाता रहता हूँ और प्रेशर को डिक्रीज करता रहता हूँ, या बैक प्रेशर डिक्रीज करा तो ये फ्लो होता रहा, फ्लो होता रहा, तो यहाँ मार्क नंबर 1 आ गया। अब मार्क नंबर 1 आते ही मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो प्रेशर है, कौन से प्रेशर पे मेरा मार्क नंबर 1 है, उसको मैं डिनोट कैसे करता हूँ, इसरो के क्वेश्चन में भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, बुक्स में भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, हर जगह वैसे ही डिनोट करते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करना है, पी स्टार बाय पी नॉट। जब भी केस ये होता है कि जब भी मेरा मार्क नंबर 1 आएगा, जब भी मेरा मार्क नंबर 1 आएगा तो उस फ्लो को हम सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, सोनिक फ्लो, ठीक है, उसको हम सबसे पहले कौन सा फ्लो बोलते हैं, सोनिक फ्लो। और मार्क नंबर 1 आते ही मेरी इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, जितनी भी मैंने इक्वेशन लिखाई थी लेक्चर 2 या 3 में लिखाई थी, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कौन से लेक्चर में, मैंने पर ये इक्वेशन लिखाई थी टी बाई टी नॉट वाली, है ना, टी बाई टी नॉट, पी बाई पी नॉट एंड रो बाय रो नॉट। पर जब मेरा मार्क नंबर 1 हो जाता है तो मेरी इक्वेशन हो जाती है टी स्टार बाई टी नॉट, पी स्टार बाई पी नॉट एंड रो स्टार बाई रो नॉट, कुल मिला के स्टार आ जाएगा। बेसिकली जो इक्वेशन है उसमें मार्क नंबर 1 रख दो तो मेरी इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। 2 बार इसरो में क्वेश्चन आया गाइस, 2 times इसरो आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन वी गेट द मार्क नंबर 1, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, कौन सा पॉइंट बोलते हैं इसको, इसरो के हिसाब से क्वेश्चन आया है इसको बोलेंगे अपन क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं समझाते हैं अभी, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि इस पॉइंट पे आते ही मेरा फ्लो चोक हो जाता है, लाइक इसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, चोक फ्लो, चोक फ्लो, क्यों हो रहा है चोक फ्लो, सोच के देखिए गाइस, देखो ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, यहां चोक फ्लो क्यों हो रहा है, बेसिकली मार्क नंबर 1 होते ही चोक फ्लो बोला, क्योंकि मार्क नंबर 1 होते ही मेरा मार्क नंबर होता क्या है, ध्यान से समझिए, मेरा मार्क नंबर होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब मेरा मार्क नंबर 1 ही हो जाएगा तो मेरी वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरी वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड के। और जब मेरी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ साउंड के इक्वल हो जाएगी तो मेरा मास फ्लो रेट जो बढ़ा है वो एक लिमिट बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहां पर आने के बाद एक बार मास फ्लो रेट, अरे फ्लो बढ़ता जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं बैक प्रेशर,
तो मेरा मास फ्लो रेट फ्लो बढ़ता जा रहा, फ्लो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, एक लिमिट बाद फ्लो कांस्टेंट हो जाता है। तो मैंने जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज किया मेरा फ्लो बढ़ता 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 एक लिमिट बाद मेरा फ्लो कांस्टेंट हो गया। तो उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और वहीं पर ही आता है चोक फ्लो। चोक मतलब उसके बाद मेरा फ्लो हम बढ़ा ही नहीं सकते। इस पॉइंट पे मार्क नंबर वन आती है इन इन कौन सा फ्लो, इन कन्वर्जिंग नोजल्स। कन्वर्जिंग नोजल में आपको पता है लास्ट लेक्चर हमने देखा कि मार्क नंबर वन से जब लेस होता है तो हमारा कन्वर्जिंग बनते बनते डाइवर्जिंग में तो वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही थी। लास्ट लेक्चर में देखा था सिर्फ कन्वर्जिंग में वेलोसिटी बढ़ रही थी और कन्वर्जिंग में पहुंचे पहुंचे और मार्क नंबर वन से ज्यादा हो नहीं सकता। यही तो लिखवाया था, इसलिए देखो ना मार्क नंबर वन से ज्यादा हो नहीं सकता। मेरा डायग्राम कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, मार्क नंबर वन से ज्यादा हो नहीं सकता तो करे क्या, मैक्सिमम वन तक पहुंचा सकते मार्क नंबर, मैक्सिमम वन तक पहुंचा सकते। और मार्क नंबर जब तक वन तक नहीं पहुंचेगा तो हम सुपरसोनिक फ्लो तक कैसे पहुंचेंगे, सोच के देखिए। तो मार्क नंबर वन तक पहुंचा, वन पे पहुंचते वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी साउंड के बराबर हो गई तो मेरा चोक हो गया, मास फ्लो रेट उससे ज्यादा हो ही नहीं रहा। तो सोच के देखिए कि यही एक रीजन है कि हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल डालते हैं अपने जेट इंजन्स में, जिससे हमको क्या मिले, हमको सुपरसोनिक फ्लो मिले। दैट्स द रियल रीजन बिहाइंड दिस। ये कन्वर्जिंग, इसके पीछे डाइवर्जिंग डालोगे तभी मेरे को मार्क नंबर वन से ज्यादा मिलेगा। मैंने या तो फ्लो रेट ही कांस्टेंट हो गया, इस पे भी क्वेश्चन आया इसरो में कि मेरा फ्लो रेट ही कांस्टेंट हो गया। समझने की कोशिश कर रहे हो बात को? तो यहां तक हमको चीज समझ में आती है कि बेसिकली हुआ क्या। इसको सोनिक फ्लो बोलते हैं, एम इक्वल टू वन टी स्टार बाई टी नोट पी स्टार बाई पी नोट रो स्टार बाई नो नोट, और यहां पर चोक फ्लो हो जाता है। अब दूसरी चीज कहां देखिए, अपन ने क्रिटिकल पॉइंट हो गया, मास फ्लो रेट देख लिया अपन ने, और दूसरी चीज अपनी बची है एक बार वो भी देख लेते हैं कि मास फ्लो रेट और प्रेशर रेशियो में कैसे ग्राफ बनता है ना, उसको भी देख लेते हैं अपन एक बार, जिससे फिर अपना चोक फ्लो एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं है यार कोई तो आपसे, ठीक है ना। डीप में पढ़ना है तो नीचे कमेंट कर देना, पढ़ा देंगे यार डीप में, वैसे कोई नहीं पूछेगा आपको डीप में तो, ठीक है। चोक फ्लो भी पूछा ही नहीं है आज तक इसरो ने, पर हाँ ये सब पूछ लिया है, ये क्रिटिकल पॉइंट और उस पर पूछा क्वेश्चन जब मार्क नंबर वन होता है तो, ठीक है। ये ग्राफ भी देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा था इन कन्वर्जिंग नोजल ऐसे करके, बताऊंगा आपको अभी एक बार ये दोनों खत्म हो जाए, चोक फ्लो एंड शॉक फ्लो शॉक वेव्स, तो उसके बाद आपको बताऊंगा। बेसिकली ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना, बताता हूं कैसा आता है ग्राफ, क्यों ऐसे आया, एक सेकेंड। ठीक है, यहां पर मैं दोलूंगा एम डॉट मैक्सिमम, ठीक है, और इस जगह पे मैं बोलूंगा प्रेशर को मैंने बढ़ाया तो इधर मेरा ये एक्चुअली पी बाई पी नॉट का ही देख रहे हैं, पी बाई पी नॉट वर्सेस मास फ्लो रेट का ग्राफ है ये, है ना। और इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है पी बाई पी नॉट, मेरा इनिशियली क्या था वन, वन है तो कोई फ्लो रेट नहीं हो रहा, मास फ्लो रेट मतलब मेरा मास फ्लो रेट यहां जीरो है। चलो बात समझ में आ गई, मैंने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया या फिर बैक प्रेशर मैंने डिक्रीज किया। अरे यार ठीक है गाइस, अब यहां से मैंने बैक प्रेशर को क्या करा, डिक्रीज किया, तो बैक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो मेरा पी नॉट डोमिनेट किया, पी नॉट डोमिनेट किया तो मेरा फ्लो हुआ, एक्चुअली फ्लो स्टार्ट हुआ, फ्लो स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पे कितना हुआ मेरा मास फ्लो रेट, इस पॉइंट पे थोड़ा बढ़ा, देखो इस पॉइंट पे बढ़ा, इस पॉइंट पे बढ़ा, इस पॉइंट पे भी बढ़ा, मास फ्लो रेट मेरा बढ़ते जा रहा है।
पर जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, कौन सा पॉइंट है ये? ये पॉइंट है जहां पर मेरा मार्क नंबर वन है, मार्क नंबर मेरा वन है, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोलूंगा? पी स्टार बाय पी नॉट। जब मेरा पी स्टार बाय पी नॉट हुआ तो मेरा मास फ्लो रेट यहां आया। अब मैं उसके बाद में कितना ही प्रेशर डिक्रीज करूं, कितना ही बैक प्रेशर को मैं यहां पर डिक्रीज करूं, मेरा मास फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी साउंड के बराबर होगी। कुल मिला के फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा, फ्लो इज कॉन्स्टेंट आफ्टर आफ्टर मार्क नंबर इज वन इन कन्वर्जिंग नोजल। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेसिकली इस पॉइंट के बाद में मेरा मास फ्लो रेट कॉन्स्टेंट हो गया। बाकी वन से लेकर जब तक मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा था तो मेरा मास फ्लो रेट इंक्रीज ही हो रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेरा मास फ्लो रेट क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये तो हो गया चोक फ्लो की कहानी, ठीक है। अब थोड़ा शॉक वेव्स की कहानी देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों आते हैं शॉक वेव्स में। देखो शॉक वेव्स क्या होते हैं, ये इरिवर्सिबल डिसकंटिन्यूटीज हैं जो कि हमको दिखाई देती है कहां, सुपरसोनिक फ्लो में। सुपरसोनिक फ्लो मतलब व्हेन मार्क नंबर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि बेसिकली कैसे कैसे शॉक वेव्स में, शॉक वेव्स होने से क्या क्या चेंजेस आते हैं ना। मान लेते हैं शॉक वेव्स हैं, ठीक है, मान के चलते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। एक छोटा सा अपन ने एक स्लैब काट के अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू और जी जो वेव्स हैं, ये मान लो आप ले एक बार के लिए कि शॉक वेव्स हैं। देखो मैं थोड़ा सा है ना तेज़ जा रहा हूँ, बिकॉज अपन इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पीएचडी नहीं करनी है अब चीज़ों को, है ना। फालतू में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, जितना आता है उतना ही पढ़ेंगे। वैसे इतना भी नहीं आता, शॉक वेव्स तो आया भी नहीं है, ठीक है। चोक फ्लो तो फिर भी आया है। स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से देखते हैं पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू तक। मैं बोलता हूँ कि मास फ्लो रेट हमेशा कॉन्स्टेंट है, मतलब मास फ्लो रेट वन पे जो है वही मास फ्लो रेट टू पे। चेंज क्या आ गया? रो वन वी वन ए वन इक्वल्स टू रो टू वी टू ए टू, है ना। इसमें ही चेंजेस आ गए। जो क्वेश्चंस आए आ सकते हैं वो आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि ये वाला एरिया जो वन है क्रॉस सेक्शनल, वो ए टू दोनों इक्वल है ना यार, एरिया तो दोनों का इक्वल है। तो एरिया हटाओ, एरिया यहाँ से हटाओ, तो आपको एक इक्वेशन मिलती है यहाँ से कि रो वन वी वन इक्वल्स टू रो टू वी टू। दूसरी इक्वेशन मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन फटाक से देख लेते हैं सारी इक्वेशन क्या होता है। मोमेंट इक्वेशन क्या होता है? पी वन ए वन माइनस पी टू ए टू इक्वल्स टू एम डॉट वी टू माइनस वी वन, है ना। तो बस ये मोमेंट इक्वेशन देखिए, यहाँ जो प्रेशर है पॉइंट नंबर वन पे और यहाँ पर पॉइंट नंबर टू पे, जो चेंजेस आते हैं यार जितने भी वेरिएबल्स हैं ना उनमें चेंजेस आते हैं शॉक वेव्स की वजह से। तो वो चेंजेस पे अपन सारी इक्वेशन लिख रहे हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे शॉक वेव्स की वजह से कौन चीज़ डिक्रीज हो रही है, कौन चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ें क्या नहीं है, वो सब इस रूम में क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली अपन वहाँ पर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तो मोमेंट इक्वेशन हो गई, एक मास फ्लो रेट इक्वेशन हो गई, और अपन एक दूसरी इक्वेशन देखेंगे अपन, फर्स्ट लॉ एनर्जी इक्वेशन, है ना। फर्स्ट लॉ एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट लॉ एनर्जी इक्वेशन एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू शॉक वेव से पहले इक्वल्स टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू शॉक वेव्स के बाद में। ये थर्ड इक्वेशन है। फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कहां से आ सकती है? जो जो इक्वेशन यूज होगी, फ्लूड ले लो या थर्मो ले लो, मैंने पहले बोलता फ्लूड एंड थर्मोडाइनेमिक्स का कॉम्बिनेशन है अपना कंप्रेसिबल फ्लो। चौथी इक्वेशन होगी परफेक्ट गैस, है ना। परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस का इक्वेशन क्या हो गया? पी इक्वल्स टू रो आर टी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, ये बेसिकली, ठीक है। ये इक्वेशन होगी परफेक्ट गैस। एंड फिफ्थ कौन सी इक्वेशन लगाएंगे अपन? फिफ्थ बेसिकली अपन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? एक तो ये इक्वेशन होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, और कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं अपन? और अपन लगा सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी, है ना, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है? चेंज इन एंथैल्पी बोल सकता हूं मैं एच टू माइनस एच वन, ओके ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होती है। कभी कभी ना कुछ कुछ लिख देता हूं मैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और ये होगी फर्स्ट लॉ से आती है ओपन ओपन सिस्टम के लिए। H2 माइनस H1 इक्वल टू सी पी
टी टू माइनस टी वन, है ना, ये पांच इक्वेशन होगी। बेसिकली अपने को चेंजेस कहाँ कहाँ देखने हैं, अपने पांच ही तो वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर अपन चेंजेस देखते हैं, डेंसिटी होती है, प्रेशर में अपन चेंज देखेंगे, प्रेशर में क्या क्या चेंज आ रहा है ना, और फिर अपना वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आ रहा है। इनफैक्ट गाइस मार्क नंबर में भी चेंज आता है, सोच के देखो सुपरसोनिक फ्लो में मार्क में भी चेंज आता है एकदम से, अगर सुपरसोनिक हो जाता है वो, जैसे सुपरसोनिक फ्लो में भी मार्क नंबर में चेंज आता है जब अपने को क्या मिलती है, शॉक वेव्स, मतलब ये मान लो जैसे शॉक वेव्स आती है ना, आप मानोगे नहीं, सुपरसोनिक से एकदम सबसोनिक हो जाता है, ठीक है ना, तो वो चीज भी अपन देखें तो मार्क नंबर में भी चेंज आता है ना, एक तो ये हो गया। पांच वेरिएबल्स में अपन चेंजेस देखेंगे, देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन कितनी होगी, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, वैसे भी देख लो यार काम आएगी आपके आगे थर्मो और फ्लूइड में, ये इक्वेशंस कैसे होती है ना, पांच। तो अपने वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड एंथैल्पी, ठीक है। तो कौन कौन से वेरिएबल हो गए, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड एंथैल्पी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जायज है गाइस मार्क नंबर में भी चेंज आएगा। तो बेसिकली अपन इन वेरिएबल में चेंजेस देखेंगे, फाइव वेरिएबल्स, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इक्वेशंस, फाइव वेरिएबल्स, अपन देखेंगे कि पांच इक्वेशंस बनेगी, उससे अपन देखेंगे कि इन वेरिएबल्स में कैसे कैसे चेंज आता है पॉइंट नंबर वन से लेकर पॉइंट नंबर टू तक जब पहुंच जाते हैं थ्रू शॉक वेव्स। तो उन पांचों इक्वेशन, जब मैंने गामा की वैल्यू 1.4 रखी तो पांचों इक्वेशन से ये पांच वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आ गया। देखो गाइस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं उनका डेरिवेशन, जो हाँ इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, वहाँ मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ कोई मतलब नहीं है ना। लाइक आप जब टारगेट इसरो का कर रहे हो तो ज़्यादा लोड नहीं लेना अपने को, आपने को टेबल याद करनी, वैसे बेसिकली कभी पूछा नहीं इस टेबल से, पर पूछ भी ले तो अपने को टेबल देखनी है, टेबल देखने के लिए मैंने वेरिएबल्स लिख दिए उन पाँचों इक्वेशन से, आप खुद भी करके देखो घर पर, तो उन पाँचों इक्वेशन से ये इक्वेशन निकल के आती है बाहर, मतलब बेसिकली जो शॉक वेव्स है तो पॉइंट नंबर वन से लेके पॉइंट नंबर टू तक क्या चेंज आया, मतलब शॉक वेव से पहले क्या चेंज था, शॉक वेव के बाद क्या चेंज था, टू तो पॉइंट नंबर टू हो गया और वन पॉइंट नंबर वन हो गया शॉक वेव से पहले। अब ये स्टैटिक प्रेशर्स हो गए कि इन प्रेशर में क्या चेंज आया, स्टैटिक टेम्परेचर में क्या चेंज आया, डेंसिटी में क्या चेंज आया, वेलोसिटी में क्या चेंज आया, मार्क नंबर में क्या चेंज आया, तो हमने यहाँ देख लिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर रखो कुछ नहीं, एम टू है एम वन, और बेसिकली एम वन क्या है, देखो सब जगह तो एम वन रखा है, एम टू रखा है, एम वन क्या है, एम वन ये है, ये M2 है, और M1 है बेसिकली क्या, M1 इज ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि M1 कौन से पॉइंट में आ रहा है, इट्स इन सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो में आएगा, क्योंकि सुपरसोनिक फ्लो में क्या आती है गाइस, शॉक वेव्स, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉक वेव सुपरसोनिक फ्लो में आता है, सुपरसोनिक फ्लो में जो मेरा मार्क नंबर होता है वन से ज्यादा होता है, और एम वन मेरा शॉक वेव से पहले वाला है, शॉक वेव्स आने से पहले है, तो सुपरसोनिक फ्लो और शॉक वेव के बाद में एम टू आ जाता है ना, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने को समझनी चीजें, तो एम वन की जब वैल्यू रखो तो 0.7 0.8 मत रखना, वन से ज्यादा रखना, फिर आपको समझ में आएगा शॉक वेव्स में क्या चेंज आ रहा है, और शॉक वेव्स के बाद मार्क नंबर में क्या चेंज आ रहा है। तो देखो भैया मार्क नंबर डिक्रीज होगा, वैल्यू रख के देख लेना, स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, स्टैटिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा, स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैग्नेशन टेम्परेचर के बारे में भी इक्वेशन डिराइव होती है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखो स्टैग्नेशन प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है बट स्टैटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, स्टैटिक टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता बट स्टैग्नेशन टेम्परेचर हमारे में कोई चेंज नहीं लेके आता। ओके क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप सॉल्व कर सकते हो, डेंसिटी मेरी इंक्रीज होती है, यहाँ पर रखोगे तो आपको समझ में आएगा डेंसिटी मेरी इंक्रीज हो गई, अब डेंसिटी और वेलोसिटी में ये रिलेशन है, अभी तो देखा था मैंने मास फ्लो रेट से, रो वन वी वन इक्वल टू रो टू वी टू, फर्स्ट इक्वेशन अपनी, अब डेंसिटी मेरी क्या है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, अगर मेरी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरी वेलोसिटी जायज है मेरी डिक्रीज होगी, है ना, या मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई,
अब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई बट मेरी एंट्रोपी क्या हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में बताओ तो एंट्रोपी इंक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज इट्स एन इरिवर्सिबल फ्लो और इरिवर्सिबल फ्लो में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबिलिटी यहां पर किस वजह से आती है, इधर इरिवर्सिबिलिटी आती है बिकॉज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इरिवर्सिबिलिटी है। तो जायज है स्टैटिक टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन होगा मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी तो आफ्टर शॉक वेव्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे काफी है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आज तक आया नहीं पर आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीज हमने देख ली। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। अब अपन देखते हैं बेसिकली, ये तो हमने शॉक वेव्स के बारे में देख लिया कि शॉक वेव्स के पहले एंड शॉक वेव्स के बाद में क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल में कैसे रोल आता है शॉक वेव्स का। हालांकि मैं जहां तक ही बता चुका हूं कि सुपरसोनिक फ्लो में ही शॉक वेव्स जनरेट होती है, मतलब यही कहने की बात है। सुपरसोनिक का मतलब क्या हो गया, मार्क नंबर वन से ज्यादा। अब मार्क नंबर वन से ज्यादा है तो मेरा फ्लो कैसा हो गया, सुपरसोनिक, एंड सुपरसोनिक में क्या आ गई मेरी शॉक वेव्स, और सुपरसोनिक से पहले क्या आ जाता है मेरा जस्ट थ्रोट में चोक फ्लो, ये वाला चोक फ्लो आ गया ना, ओके। ये सब चीजें हमने देख ली थी तो ये चीज फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं अपन चीजों को कि बेसिकली क्या होता है, चोक फ्लो मेरा मार्क नंबर वन पे आता है, बिल्कुल एम ए जब मेरा वन होता है तो मेरा चोक फ्लो होता है एट द पॉइंट ऑफ थ्रोट इन द एग्जिट ऑफ कन्वर्जिंग नोजल। चलो इतनी बात हमको समझ में आई। अब थ्रोट के बाद में आप मार्क नंबर वन से ज्यादा करेंगे तो मेरा सुपरसोनिक फ्लो की तरफ निकल जाता है। अब सुपरसोनिक फ्लो की तरफ निकल जाता है तो कुछ टाइम बाद मेरे को डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मेरे को शॉक वेव्स मिलेगी। अब शॉक वेव्स मुझे मिल गई तो चलो दोनों नोजल को एक साथ बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बात हो क्या रही है। ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल हमने दोनों यहां पर बना दिए एंड एट द पॉइंट ऑफ थ्रोट यहां पर मेरे को क्या मिलता है, चोक फ्लू, ठीक है। कहां पर, जब मेरा सिर्फ कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है तो चोक फ्लू नहीं मिलेगा ना यार, मास फ्लो रेट हो जाएगा क्योंकि हमने आगे क्या लगा दिया, हमने आगे डिफ्यूजर लगा दिया है ना, तो उस वजह से चोक फ्लो नहीं होगा। अब चीजें देखते हैं थोड़ी सी, एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर रेशियो और एक्स के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है। ये तो हमारा थ्रोट है, वही सेम पी बाई पी नॉट वर्सेस एक्स का ग्राफ, क्या क्या चेंज आ रहे हैं है ना। चलो यहां पर क्या है, स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन टेम्परेचर, स्टैग्नेशन डेंसिटी। इस पॉइंट पे मतलब मार्क नंबर एक्स और पी बाई पी नॉट पे अपन देखेंगे कि हमारा क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं कहता हूं जब मेरा मार्क नंबर जीरो है तो कोई फ्लो होगा, मेरा मार्क नंबर ही जीरो तो कोई फ्लो होगा, कोई फ्लो ही नहीं है, ठीक है। मार्क नंबर मेरा जीरो है तो कोई फ्लो नहीं है, तो कोई फ्लो नहीं है, मार्क नंबर जीरो पे लिख दो भैया, कर दो। जब मेरा मार्क नंबर ही जीरो है तो कोई फ्लो ही नहीं है, थोड़ा बढ़ाते हैं मार्क नंबर। मार्क नंबर मेरा 0.2 है तो मेरे को क्या मिलता है, लेट्स सी, इधर लिख दीजिए आप नो फ्लो, ठीक। अब मेरा मार्क नंबर जीरो से ज्यादा, लेट्स से 0.2, तो मेरा मार्क बढ़ा,
सॉरी मेरा प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर मेरा प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, और इस पॉइंट को मैं बैक प्रेशर की साइड ही बोलूँगा, इसको मैं पीवी बैक प्रेशर। एक बार चेक करके आ जाता हूँ यार, कैमरा तो बंद नहीं हो गया, बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेट्स से ये हो गया मार्क नंबर 0.2 की लाइन। अब इस पॉइंट पे तो प्रेशर मेरा डिक्रीज होता रहा। अब आपको जो इक्वेशन मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में बताई है, लेक्चर नंबर 4 में जो मैंने इक्वेशन लिखाई थी, उधर मैं क्या कर रहा था, उधर मैं डिफ्यूजर में देखो आप क्या हो रहा था, जब मेरा मार्क नंबर 1 से कम होता था, जब मेरे डिफ्यूजर में क्या हो रहा था, याद करो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग नोजल में तो क्या हो रहा था मेरा, कन्वर्जिंग नोजल में क्या हो रहा था, मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, बट मेरा डाइवर्जिंग नोजल में मेरा प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। गाइस जिसको ये बात याद है नीचे कमेंट करके बताना, लेक्चर 4 में जब मेरा मार्क नंबर 1 से लेस था, याद करो गाइस, याद करो पुराना लेक्चर, लेस देन 1 था मेरा मार्क नंबर, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, एरिया डिक्रीज हो रहा है ना, एरिया डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, बट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये चीज़ बताई थी इन कौन सा, कन्वर्जिंग नोजल, और डाइवर्जिंग नोजल में एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, ये चीज़ बताई थी, डाइवर्जिंग नोजल में एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ये किस में बताई थी, ये डाइवर्जिंग नोजल में बताई थी, ठीक है। ये अगर किस किस को बात याद है तो नीचे कमेंट करके बताना। तो डाइवर्जिंग नोजल में क्या हो रहा था, मेरा मार्क नंबर लेस देन 1 था, तो मेरा क्या हो रहा था, एरिया इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, बट मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, मेरी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ तक चला गया, चलो मार्क नंबर 0.8 तक जाते गए, फिर से मन से लेस है तो मेरा फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं मेरा मार्क नंबर 1 पे जाता हूं, मैं मार्क नंबर बिल्कुल 1 पे गया, मतलब सोनिक फ्लो, मेरा मार्क नंबर 1 हो गया, ये मार्क नंबर 0.8, ये मार्क 1, डर लगता है यार कैमरा बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं पीछे देखने वाला अभी, तो मेरे को अभी टाइम मिला तो झट से लेक्चर ख़त्म करूँ आपका। तो मार्क वन हो गया तो क्या देखेंगे, मार्क वन पे भी क्या हो जाएगा, अगर 1 रखोगे मार्क तो भी आपका प्रेशर डिक्रीज होता है, मान के चलो आप, तो ठीक है अभी भी इसको। और ये सारे फ्लो कैसे हैं, ये सारे फ्लो जितने भी ये फ्लो है, ये सारे कैसे हैं, सबसोनिक फ्लो है यार गाइस, सबसोनिक फ्लो है, ठीक है। हालांकि उस इक्वेशन में जब मार्क नंबर 1 रखोगे तो आपको चेंज इन एरिया में 0 हो जाएगा, मार्क नंबर 1 रखोगे तो 1-1 वो इक्वेशन लिखी थी ना, चलो एक बार इक्वेशन लिख के देख ले। तो ये दो इक्वेशन है, जब मेरा मार्क नंबर 1 से कम है तो अपने को समझ में आ रहा है कि सबसोनिक फ्लो, एट ए पे तो अपन सबसोनिक नहीं, इसको सोनिक फ्लो बोलते हैं बेसिकली, कोई मतलब नहीं, फिर भी अपना प्रेशर में क्या हो रहा है, अगर 1 हो गया तो फिर भी अपना मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज ही मान के चल रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, और बैक प्रेशर को कम करूंगा, इस बैक प्रेशर को और कम करूंगा, तो हम कहां पर पहुंच गए, अब की बार हम सीधे इसके बाद 1 के बाद में हमने जैसे ही बढ़ाया, चलो थोड़ा और बढ़ा दो, अब ऐसा करता हूं मैं 1.1 लेता हूं मार्क नंबर, 1.1 ले लूं, 1.1 में क्या होगा कि मेरा प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, अब की बार क्या हो गया भैया, मार्क नंबर 1.1 में मैं क्या बोल रहा हूँ, इन माय कन्वर्जिंग नोजल में मेरा क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर और डिक्रीज हो गया, बट हमको पता है कि इन सुपरसोनिक फ्लो, और ये कौन सा फ्लो है गाइस, मार्क नंबर 1.1 कौन सा फ्लो है, सुपरसोनिक, और आप सबको पता है कि सुपरसोनिक फ्लो में क्या हो जाता है, सुपरसोनिक फ्लो में क्या होता है, आप सबको पता है सुपरसोनिक फ्लो में इन माय डाइवर्जिंग नोजल मेरे को शॉक वेव्स नजर आते हैं, अब यहां से मुझे शॉक वेव्स आएंगे, तो शॉक वेव्स में अभी अपने टेबल में देखा है, उस टेबल में कि शॉक वेव्स में एट
आफ्टर द पॉइंट ऑफ शॉक वेव्स मेरा स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मान लो यहाँ शॉक वेव्स आई, तो शॉक वेव्स आई, मेरा स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होकर फिर से क्या बन गया, सबसोनिक। मैं तो कहता हूं कि शॉक वेव्स यहाँ आई, शॉक वेव्स यहाँ आई, तो भी मेरा शॉक वेव्स के बाद प्रेशर क्या हो गया, फिर प्रेशर मेरा इंक्रीज हो गया, और ये क्या हो गया, फिर से सबसोनिक। कुछ नहीं, से इक्वेशन पे ध्यान दो, फालतू बातें। तो अपन क्या ट्राई करते हैं कि इतना डिक्रीज करो, इतना डिक्रीज करो बैक प्रेशर को, मेरा शॉक कहां पर मिले मुझे, इस पॉइंट पे शॉक मिले। अब इस पॉइंट पे मुझको शॉक वेव्स मिलेगी, तो मेरा बेसिकली शॉक वेव्स यहां पर मिलेगी, तो मेरे को प्रेशर, मान लो यहां पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्योंकि इसके वजह से शॉक वेव्स ऐसे ऐसे करके यहां बाहर निकल जाती है, तो मेरा प्रेशर ऊपर नहीं आता है, और मेरे को यहां से लेकर यहां तक सबसोनिक, और यहां से लेकर यहां तक एग्जैक्टली मुझे सुपरसोनिक मिल जाता है, अगर मैं प्रेशर को, बैक प्रेशर को डिक्रीज करता रहता हूं तो। बेसिकली यही बात है, नहीं तो अपने को इसी पॉइंट के बाद में क्या होगा, यहां से यहां तक तो मुझे क्या मिला, सुपरसोनिक, और बेसिकली मार्क 1.1 है, तो क्या हो गया ना यार, 1 के बाद में यहां से तो 1 रख दिया, और इसके बाद में मेरे को सुपरसोनिक मिल गया 1.1 पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिला, पर यहां से यहां तक और यहां के जस्ट बाद में मुझे को क्या मिल गया, सबसोनिक फ्लो मिल गया। क्या मतलब फालतू बात, तो अपने को पूरे नोजल पे, मतलब इतने ही नोजल पे मेरे को मिल गया, यहीं अगर इसको यहां से यहां तक कर लूं, यहां से सब सुपरसोनिक, और अपने को तो यहां तक चाहिए सुपरसोनिक, मतलब फ्लो पूरा यहां तक चाहिए, बीच में शॉक नहीं चाहिए। बस ये सब बातें हैं, अब कितना ही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन यहां से आना है नहीं, कोई मतलब है नहीं, ठीक है गाइज, ये सब चीज़ें हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, बेसिकली इतना आ जाएगा। तो आपको क्या इन शॉर्ट पूछेंगे, अगले एक टेबल बनाता हूँ, टेबल क्या बनाता हूँ यार, नॉर्मली आपको क्या पूछेंगे कि शॉक वेव्स कहाँ पर आते हैं, सुपरसोनिक फ्लो में, और चोक फ्लो आपको कहाँ आता है, एग्जिट ऑफ कन्वर्जिंग नोजल, कौन सा, सब सोनिक फ्लो, ठीक है, ये चीजें खत्म होती है। एक्स्ट्रा करते हैं, दो इसरो के क्वेश्चन देखते हैं, दो या तीन इसरो के क्वेश्चन देखते हैं, और लेक्चर को खत्म करते हैं, ओके। तो गाइस, जैसा कि आप क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एयर इज एक्सेलरेटेड आइसेंट्रोपिकली फ्रॉम 100 मीटर पर सेकेंड टू 300 मीटर पर सेकेंड इन अ नोजल। इफ द टेम्परेचर एट इनलेट इज, इनलेट पे टेम्परेचर कितना, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इनलेट मार्क नंबर पूछा है, और द इनलेट मार्क नंबर इज पूछा है, टेक आर इक्वल टू 287 जूल्स पर केजी के एंड स्पेसिफिक हीट रेशियो इक्वल टू 1.4। ऑप्शंस हैव गिवन, ऑप्शन ए 0.249, ऑप्शन बी 0.442, ऑप्शन सी 0.747, ऑप्शन डी 0.333। ये क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपको इसरो 2016 में, ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन इसरो 2016 में पूछा गया है। क्या क्या दिया आपको, वेलोसिटी इनलेट आपको दिए है 100 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी आउटलेट आपको दिए है 300 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ओके। और आपको टेम्परेचर इनलेट पे कितना दिया है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको अपन केल्विन में करेंगे, क्यों करेंगे अभी बताता हूँ आपको, पहले कर लो, ठीक है, ये अपन ने केल्विन में इसको कन्वर्ट कर दिया। और आपको क्या दिया है, गामा दिया आपको 1.4, आर दिया आपको 287 जूल पर केजी के, ठीक है, और आपको क्या पूछा है, मार्क नंबर इनलेट पे। अब मार्क नंबर इनलेट पे पूछा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना, वेलोसिटी एट इनलेट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड एट इनलेट। वेलोसिटी इनलेट पे कितनी दी आपको, 100, ओके, और टेम्परेचर इनलेट पे कितना दिया आपको, 400, ठीक है। तो पहले तो अपन इनलेट पे वेलोसिटी रख दो 100, और नीचे अपने को वेलोसिटी ऑफ साउंड चाहिए। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम सेकंड लेक्चर, गामा आर टी इनलेट, गामा कितना है 1.4, आर कितना है 287, और टेम्परेचर कितना है 400। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है कितना,
400 ही निकल के आता है मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है। जब आप इसको वापस यहाँ पर रखते हो, कितना है निकल के 400, तो मेरा मार्क नंबर कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली इनलेट पे 0.25। गाइस देख के बताइए ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन ए से, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आता है ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। डिजाइन किसकी हो रही गाइस, वेलोसिटी इनलेट पे कम है, वेलोसिटी आउटलेट पे जाता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और मार्क नंबर मेरा वन से कम है। वेलोसिटी इंक्रीज करी, मेरा मार्क नंबर कम, वन से कम है, तो मेरा नोजल कैसा डिजाइन होके आता है, पूछा तो नहीं है फिर भी डायग्राम लेके अगर पूछ लेते हैं, तो मेरा नोजल कैसा डिजाइन होता है, मेरा एरिया डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये मेरा कन्वर्जिंग नोजल है, बेसिकली हमको कैलकुलेशन से पता पड़ता है कि ये मेरा कन्वर्जिंग नोजल है, हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पूछा तो है नहीं, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गैशियस नाइट्रोजन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सपेंड थ्रू अ कन्वर्जिंग नोजल फ्रॉम अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.5 मेगापास्कल टू अ बैक प्रेशर चैम्बर। इफ द बैक प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 0.1 मेगापास्कल टू 0.4 मेगापास्कल इन अ स्टेप ऑफ 0.2 मेगापास्कल 0.02 मेगापास्कल द ट्रेंड इन मास फ्लो रेट थ्रू द नोजल। देखो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा फर्स्ट ऑफ ऑल इसरो 2016, ठीक है, इसरो 2016 में पूछा गया है। बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, बैक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, बैक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं कहां से, 0.1 मेगापास्कल टू 0.4 मेगापास्कल, ठीक है। अभी बैक प्रेशर के लिए, बैक प्रेशर के लिए और कहां पर है, कन्वर्जिंग नोजल में आ रहा है ना, देखो क्वेश्चन में देख सकते हैं हम, यह आ रहा है कन्वर्जिंग नोजल में, ठीक है, कन्वर्जिंग नोजल है, लगा लो ये वाला। और इसका मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसका मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि मास फ्लो रेट और प्रेशर की फॉर्म में आपको कैसा मिलता है ग्राफ, ये एम एक्स, या फिर हटाओ इसको, ये मास फ्लो रेट अभी आपको पढ़ाया था मैंने, इसका ये कुछ ऐसा बनता है, राइट। यहां पर तो क्या होता है, मास मैक्सिमम होता है और इस पॉइंट पे जहां से मास फ्लो रेट मेरा कांस्टेंट हो जाता है उसको मैं बोलता हूं पी स्टार बाय पी नॉट, है ना, पी स्टार बाय पी नॉट। और यहां पर क्या है मेरा, यहां पर वन है गाइस। अब क्या बोल रहा है, ये प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने उस समय तो बताया था प्रेशर डिक्रीज होते हुए यहां से आता है, पर इसके अंदर अलग पूछा है, इसके अंदर बोला है कि प्रेशर को मैंने, बैक प्रेशर को इंक्रीज करा। अब मैं बैक प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो मेरा फ्लो कम होगा, मेरा फ्लो डिक्रीज होगा, वहां पर मैं बैक प्रेशर को रिड्यूस कर रहा था और मेरे फ्लो को बढ़ा रहा था, बट इधर बैक प्रेशर को इंक्रीज करा तो फ्लो तो मेरा कम होगा और मेरा फ्लो डिक्रीज होगा, तो फ्लो कैसे डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ वही पूछ रहा है कैसे हो रहा है। देखो गाइस यहां पर मेरा, मान लो यहां पर मेरा बैक प्रेशर 0.1 मेगापास्कल है मान लेते, और यहां से मैंने बढ़ाने स्टार्ट किया मेरे प्रेशर को, यहां से बढ़ाया तो मैं पहले देख रहा हूं मेरा मास फ्लो रेट बड़ा 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 बड़ा, मेरा मास फ्लो रेट कैसा हो गया, यहां तक मेरा मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, यहां तक मेरा मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, फिर यहां से मेरा मास फ्लो रेट एक पॉइंट के बाद में एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं कि मेरा मास फ्लो रेट विल रिमेन कांस्टेंट टिल अ पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है गाइस, पॉइंट भूलो मत, ये पॉइंट है जहां पर मेरा मार्क नंबर इक्वल टू वन है, है ना, ये चीज याद रखो, यहां पर मेरा मार्क नंबर वन है और यहां पर ही क्या होता है, यहां पर ही आपको चोक मिलता है, चोक फ्लो कहते हैं इसको अपन, ठीक है। ये पी स्टार इसलिए डाला है, पी स्टार का मतलब क्या हो गया, मार्क नंबर वन। इस पॉइंट के बाद में मेरा मास फ्लो रेट ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है, तो माय ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, ओके। ये तो हो गए दोनों क्वेश्चन इसरो के,
और भी देखते हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इसरो में, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसरो का, इसरो में जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसरो का, लाइक इसरो 2017 एंड इसरो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है, हालांकि चलो स्क्रीन पे देखिए इस क्वेश्चन को, और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और दोनों साल डिफरेंट तरीके से इन क्वेश्चन को पूछा गया है, राइट। और कुछ नहीं किया है, फालतू सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लिया? वही क्रिटिकल पॉइंट वाला है, वही चोक फ्लो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। देखो गाइज, तो गाइज ये क्वेश्चन आपने देखा स्क्रीन पे, वहां पर आपने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वेशन पूछी है, प्रेशर किसका, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बोले तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट या फिर आपको सीधा सीधा दे दिया कि मेरा जब मार्क नंबर वन हो जाएगा, या क्रिटिकल पॉइंट और मार्क नंबर वन दोनों को अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन ही पूछा है दोनों ईयर में, ठीक है। तो पी नॉट बाई पी लेक्चर टू में हमने देखा था, पी नॉट बाई पी इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू एम ए स्क्वायर की पावर गामा अपन गामा माइनस वन। बेसिकली अब जब क्रिटिकल पॉइंट देखा तो मार्क नंबर वन रखो, मार्क नंबर वन रखा तो मेरे को क्या मिला, पी नॉट बाई पी इज इक्वल टू वन प्लस गामा माइनस वन बाई टू की पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। जब इसको सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, पी स्टार हो जाएगा क्योंकि मैंने मार्क नंबर वन रख दिया। तो पी नॉट बाई पी स्टार इक्वल टू गामा प्लस वन बाई टू टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन, बट ऑप्शन पी स्टार बाई पी नॉट में दिए हैं, तो पी स्टार बाई पी नॉट रेशियो ले लो, तो रेशियो लेके देखा तो टू अपॉन गामा प्लस वन टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। तो ये ऑप्शन डी है, और दोनों ईयर में ऑप्शन में कोई चेंज नहीं करा, जस्ट लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करा है, बट घूम फिर के हमको दोनों ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट मिलता है दोनों साल में। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसा कि एक और क्वेश्चन पूछा था इसरो ने, आपको 18 में ही ले लो, हटाओ इस चीज को, सारे क्वेश्चन करा लेता हूँ यहीं पर ही। देखो एक और क्वेश्चन पूछा था इसरो ने, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया है 400 से 600 के, और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, जब टेम्परेचर को 600 के किया तो मेरी वेलोसिटी में क्या चेंज है, और कुछ नहीं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में क्या चेंज है, अब हम सबको पता है, इधर देखें, हम सबको पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, गामा आर टी। चलो हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड आफ्टर बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड बिफोर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, T2 बाई T1 का अंडर रूट, ये होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, बाद में कितना हो गया टेम्परेचर 600 के, इनिशियल कितना था 200 के, इसको क्या अंडर रूट, और ये वेलोसिटी कितनी थी पहले 400। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर मेरा अंडर रूट हटके क्या था 3/2 का अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1.5 का क्या निकल गया था 1.22 अप्रोक्सीमेटली। जब अप्रोक्सीमेटली आता तो मेरे को C2 कितना मिलता था यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 490 मीटर पर सेकेंड, जो कि मेरा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, सारे इसरो के क्वेश्चन कराने के लिए, लेक्चर खत्म है और यहाँ पर अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वैसा कि ये जो लास्ट लेक्चर था ये जस्ट क्लोजर था, शुरू के तीन लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर कहाँ इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है, जहाँ जहाँ आपको चोक फ्लो पढ़ाया गया शुरुआत में सिर्फ वहाँ तक का लेक्चर इसरो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉक वेव्स की बात आती है, इंक्रीज डिक्रीज प्रेशर है, उन पर क्वेश्चन हालांकि आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी, अगर लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए आगे और नई नई सीरीज देखने के लिए और नए नए अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए। सो सी यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगला लेक्चर में भी मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा कंप्लीट अपने चैनल पे कवर करने वाला हूँ, तो आई होप जल्दी मिलेंगे अपन। सो सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर इसरो 2020।